किसान आंदोलन में कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की, कहा सावधानी नहीं बरती गई तो बीमारी का खतरा बढ़ सकता है, केंद्र सरकार दिशा निर्देश जारी करे। आंदोलनकारी किसान संगठनों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, पंजाब हरियाणा राजस्थान और यूपी के किसान भी शामिल हुए। किसान संगठनों का बड़ा दावा, आज 60,000 ट्रैक्टर शामिल, 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए किसान। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान संगठनों का ट्रैक्टर मार्च, गाजीपुर बॉर्डर से पलवल तक किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च। किसान नेता टिकैत की अगुवाई में गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का ट्रैक्टर मार्च, कहा सरकार कानून वापस नहीं ली तो हम 2024 तक डटे रहेंगे। सिंघू बॉर्डर से भी आंदोलनकारी किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च, बड़ी संख्या में शामिल हुए ट्रैक्टर। बुराड़ी में किसानों के ट्रैक्टर मार्च को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका, यू टर्न लेकर वापस हुआ पूरा किसानों का जत्था। पलवल से दिल्ली के गाजीपुर के लिए निकला ट्रैक्टर्स का जत्था, करीब 60 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए हरियाणा के नूह में सुरक्षा कड़ी कर दी गई, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात। कई इलाकों में पुलिस ने किसानों को ट्रैक्टर मार्च को किया एस्कॉर्ट, काफिले के आगे भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। हिंदुस्तान संवाददाता आप तक पल पल की खबर पहुंचा रहे हैं, किसानों के जत्थों के साथ गाजीपुर बॉर्डर से पलवल तक पूरे रास्ते की रिपोर्टिंग। किसानों का कहना है कि सरकार ने मांगी नहीं मानी तो 26 जनवरी को भी ट्रैक्टर परेड होगी, आज का मार्च उसी का ट्रेलर है। हिंदुस्तान से बीकेयू अध्यक्ष राकेश टिकैत ने कहा कि किसान कानून वापस कराए बिना यहां से हम हटने वाले नहीं है। ट्रैक्टर मार्च में महिला मोर्चा भी शामिल हुई, इसके लिए महिला किसानों को भी दी गई खास ट्रेनिंग। हरियाणा के किसान संगठनों ने हर गांव से 10 महिलाओं को दिल्ली बुलाया है, 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च की अगुवाई महिला मोर्चा करेगा। कैपिटल बिल्डिंग में बवाल के बाद वॉशिंगटन डीसी में 15 दिन की पब्लिक इमरजेंसी, वॉशिंगटन डीसी की मेयर ने ट्वीट कर दी जानकारी। वॉशिंगटन डीसी में झड़प के दरमियान गोली लगने से एक महिला समेत 4 की मौत हो चुकी है, मेयर ने सुबह 6 बजे कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी की कैपिटल बिल्डिंग के बाहर हंगामा, ट्रंप समर्थक भीड़ ने की जमकर नारेबाजी। अमेरिकी संसद में तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, खिड़की तोड़कर ट्रंप समर्थकों ने संसद को बंधक बना लिया। यह हंगामा तब हुआ जब अमेरिकी कांग्रेस में इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर बहस चल रही थी, यहां जो बाइडेन ने चुनावी जीत की पुष्टि की जानी थी। इलेक्टोरल कॉलेज पर बहस के दरमियान ट्रंप समर्थक अचानक कैपिटल बिल्डिंग के अंदर घुस आए और हिंसा शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के हंगामे के बाद बहस के बीच इसे रोकना पड़ा और मौके पर अफरा तफरी मच गई। हंगामे और अफरा तफरी के दरमियान कुछ प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है, इसमें कई लोग घायल हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने पत्रकारों पर भी हमला किया, पत्रकारों से हाथापाई की और कैमरे तोड़ दिए। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स भी तोड़ दिए, हजारों की संख्या में मौके पर पहुंचे ट्रंप समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। अमेरिका के कैपिटल बिल्डिंग परिसर में मिले आईईडी, हालात बेकाबू होने पर वॉशिंगटन डीसी में बुलाई गई सेना, कई लोगों को हिरासत में लिया गया। यूएस कैपिटल बिल्डिंग में लॉकडाउन लगाया गया है, इसके साथ ही कई कांग्रेस भवनों को खाली करवा दिया गया। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप से की अपील, कहा संविधान की रक्षा करें और इस घेराबंदी को समाप्त करवाएं। ट्रंप के खिलाफ ट्विटर फेसबुक का एक्शन, समर्थकों को भड़काने के आरोप में फेसबुक ने 24 घंटे जबकि ट्विटर ने 12 घंटे का बैन लगा दिया। डोनाल्ड ट्रंप पर चलाया जा सकता है महाभियोग, अमेरिका की सांसद इल्हान ने ट्रंप पर महाभियोग चलाने को कहा। अमेरिका की कैपिटल बिल्डिंग में हंगामे के बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया है, वॉशिंगटन डीसी में कर्फ्यू लगाया गया। ब्रिटेन के अखबार दी गार्डियन के मुताबिक ट्रंप अमेरिका छोड़ सकते हैं, जो बाइडेन की शपथ से पहले ले सकते हैं अमेरिका छोड़ने का फैसला। लॉस एंजलिस में भी ट्रंप समर्थकों का हंगामा, सिटी हॉल के बाहर 2 गुटों में जमकर झड़प हुई, पुलिस ने मामले को शांत कराया। अमेरिकी संसद के बंधक बनाए जाने और हिंसक झड़प से यूरोप भी हक्का बक्का, जर्मनी और स्पेन के प्रधानमंत्रियों ने भी इसे डेमोक्रेसी के लिए काला दिन बताया। अमेरिका में हुई हिंसा को पीएम मोदी ने दुखद बताते हुए कहा लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होती है, शांति के साथ सत्ता का हस्तांतरण होना चाहिए। अमेरिकी संसद में हिंसा पर घिरे राष्ट्रपति ट्रंप, जो बाइडेन ओबामा बोले हिंसा के पीछे ट्रंप की साजिश। संसद में संग्राम पर चीन ने अमेरिका का मजाक उड़ाया, ग्लोबल टाइम्स ने स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी से मशाल को गिरा हुआ दिखाया, कहा मशाल की गर्मी बढ़ी तो नीचे गिर गया। देश के हर जिले में कल होगा वैक्सीनेशन का ड्राई रन, डॉक्टर हर्षवर्धन बोले जल्द शुरू होगा टीकाकरण का महाअभियान, अफवाह से बचे लोग। जम्मू कश्मीर और पंजाब के 6 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के मामले में ये रेड हुई। मालगाड़ियों के लिए अलग से कॉरिडोर की सौगात, पीएम मोदी ने न्यू रेवाड़ी से न्यू मदार तक फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन किया। पंजाब में आज से खुले सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स, 5वीं से 12वीं तक के स्कूल में पढ़ाई शुरू हो चुकी है, कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश है।
विशाखापट्टनम में बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई, कई कार्यकर्ताओं को लिया गया हिरासत में। पांच दिन बाद श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरी फ्लाइट, बर्फबारी के चलते उड़ान सेवाओं पर रोक लगी हुई थी। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा 3,11,000 के पार, आज 436 नए पॉजिटिव केस आए सामने, जयपुर में 72 नए मरीज हुए दर्ज। उत्तर प्रदेश में 11 जनवरी को वैक्सीनेशन का फाइनल ड्राई रन होगा, नवनीत सहगल ने बताया कि 1500 केंद्रों पर ड्राई रन चलेगा। इंडोनेशिया में कोरोना वैक्सीन के हालात, सर्टिफिकेशन का इंतजार, कोरोना वैक्सीन को लेकर जारी किया गया फतवा। मुजफ्फरनगर में नाबालिग बच्चे का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म, एक आरोपी गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश जारी। प्रयागराज में रिटायर्ड महिला स्वास्थ्यकर्मी के बैंक खाते से करीब 25 लाख रुपए की ठगी की गई, शाखा प्रबंधक समेत 3 के खिलाफ मामला दर्ज। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग के निरीक्षण में खुली सुल्तानिया मैटरनिटी अस्पताल की पोल, अर्थव्यवस्थाओं पर जमकर फटकार लगाई। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की दस्तक के बीच शिवराज सरकार का फैसला, दक्षिणी राज्यों से अगले 10 दिन तक नहीं आयात होगा चिकन। छतरपुर में किसानों के खेतों में घुसा सुजारा बांध का पानी, टीकमगढ़ से उत्तर प्रदेश के हिस्से का पानी छोड़े जाने के बाद बर्बादी की कगार पर पहुंचे किसान। निकाय चुनाव में आदिवासी वोटों को साधने के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति, कमलनाथ ने पार्टी के आदिवासी नेताओं के साथ बैठक की, जारी होगा ट्राइबल डॉक्यूमेंट। नक्सलियों की धमकी भरी चिट्ठी के बाद हाई अलर्ट पर बालाघाट पुलिस, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। नीमच में अवैध वसूली के लिए शख्स को टॉर्चर करना, दो सिपाहियों को पड़ा महंगा, गिरफ्तारी के बाद जावत थाने में तैनात अनवर खान और महेंद्र झाला बर्खास्त। उत्तर प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश में विधान परिषद चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है, 28 जनवरी को वोट डाले जाएंगे। हम के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बोले जीतनराम मांझी, एक और मंत्री पद और एक एमएलसी पद के लिए नीतीश कुमार पर दबाव बनाएंगे। बिहार में कानून व्यवस्था पर सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा, अब सीआईडी के अधिकारी देखेंगे अपराध की घटनाओं की जांच। झारखंड कैबिनेट की बैठक में दो अहम प्रस्ताव पास, बिजली को लेकर त्रिस्तरीय समझौते से बाहर निकलेगा झारखंड। दरभंगा के केवटी पीएचसी में स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खुल गई है, जमीन पर चल रहा है मरीजों का इलाज, चतुर्वर्ग के कर्मचारी इंजेक्शन लगा रहे। जयपुर में पीसीसी की नई कार्यकारिणी की हुई घोषणा, नई लिस्ट में 39 नाम, जिनमें 7 उपाध्यक्ष, 8 महासचिव और 24 सचिव बनाए गए। राजस्थान में बर्ड फ्लू को लेकर सरकार गंभीर है, सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोल्ट्री संचालकों से मंथन किया गया, सभी कलेक्टर से जानकारी मांगी गई। जयपुर में चलती कार में लगी भीषण आग, कार सवार 5 लोगों ने कूदकर बचाई जान। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर का गोबर फेंकने के मामले में धारा 307 वापस लेने का आदेश, सिंगर श्री बराड़ पर केस को बताया सही। पंजाब में 2816 झुग्गी वासियों को मिलेगा मालिकाना हक, बसेरा स्कीम के तहत सीएम कैप्टन ने दी हरी झंडी, 1,00,000 झुग्गी वासियों को होगा फायदा। 5 जनवरी तक 5 करोड़ से अधिक का आईटीआर फाइल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मिनरवा थिएटर की जमीन चौथी बार बेचने की कोशिश, आईडीबीआई बैंक ने जमीन नीलाम करने के लिए टेंडर जारी किया। फेसबुक ने पब्लिक पेज के लेआउट और ऑप्शंस को लेकर बदलाव किए हैं, अब किसी भी पब्लिक पेज पर यूजर्स को लाइक्स का ऑप्शन नहीं मिलेगा। कोलकाता के अस्पताल से सौरभ गांगुली को मिली छुट्टी, डिस्चार्ज होने के बाद फैंस को कहा शुक्रिया, माइल्ड हार्ट अटैक के बाद हुए थे भर्ती। बोराल म्यूजियम में रवि शास्त्री ने गावस्कर की तस्वीर का अनावरण करते हुए कहा, मैंने जीवन में जितने भी बल्लेबाजों को देखा है, गावस्कर उनमें सर्वश्रेष्ठ ओपनर थे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हार के बाद टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का बयान, कहा पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट टीम जब भी विदेशी दौरे पर जाती है खराब प्रदर्शन करती है। बांग्लादेश ने जॉन लुइस को बल्लेबाजी कोच नियुक्त कर दिया है, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी 2 बाइलेटरल सीरीज के लिए बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए आशिकी फेम एक्टर राहुल रॉय, बेन स्टॉक्स से थे पीड़ित। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने पति विराट कोहली के साथ घर की बालकनी में बैठने की तस्वीर खींचने पर फोटोग्राफर पर गुस्सा जाहिर किया, कहा अब बंद करो। मिर्जापुर की बीना भाभी यानी कि रसिका दुग्गल ने एक वीडियो के जरिए दिया नए साल का मैसेज, कहा जबरदस्ती में मजा नहीं है। -33 डिग्री सेल्सियस ठंड से अमिताभ बच्चन का सामना हुआ, ट्वीट कर बताया विंटर सूट भी ठंड से बचा नहीं पाया, लद्दाख में शूटिंग करके वापस लौटे हैं बिग बी। लॉकडाउन पर बोले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, कहा धीरे धीरे हटेगा लॉकडाउन, सबसे पहले स्कूलों को खोला जाएगा। कोरोना वायरस के संक्रमण और नए स्ट्रेन के चलते ब्रिटेन में इस साल परीक्षाएं नहीं होंगी, शिक्षा मंत्री ने अध्यापकों से बच्चों को ग्रेड निर्धारित करने को कहा है। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज को वापस लंदन की बेलमार्श जेल भेजा गया, असांज ने जान का खतरा बताते हुए यूएस प्रत्यर्पित नहीं करने की बात की थी। ईरान में जारी है सेना का युद्धाभ्यास, जारी की गई तस्वीरों में लेटेस्ट तकनीक के साथ ड्रोन और मिसाइल से सेना अभ्यास कर रही है।
अमेरिका का बयान, अलास्का स्टेट एजेंसी ने आर्कटिक वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज में ऑयल और गैस ड्रिलिंग के लिए सबसे ज्यादा बिड पर किया कब्जा। अमेरिका में प्राउड बॉयज के नेता हेनरी ने कहा हेनरी को रिहा किया गया, विरोध प्रदर्शन के दरमियान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में जेल हो गई थी। सफर में हो या घर पर, अब होगी हर खबर आपकी हथेली पर। ऐप स्टोर पर जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुने अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।